तमाम जो लिमोजिन पाकिस्तान में जो हमारे पास मौजूद हैं या किसी और के पास भी मौजूद हैं, तो नॉर्मली इसमें पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एवरेज जो है वो 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर जो है वो आती है। हमारे पास जो है वो 13 लिमोजिन मौजूद हैं और इनके डिफरेंट रेंट्स हैं। हमारी जो मिनिमम रेंट स्टार्ट हो जाता है, इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो 70,000 से स्टार्ट होती है और 175,000 तक जो है वो इसकी प्राइस रेंज है। ये जिस लिमो के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका रेंट हम क्या लेते हैं? इसका रेंट जी 1,20,000 इसको इसका रेंट हम पर फंक्शन चार्ज करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर रॉयल लिमो सर्विस पर। मेरे साथ ये V8 मॉडल की लिमोजिन मौजूद है। ये गाड़ी आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है और हमेशा से, जब 1916 के अंदर ये गाड़ियां मुतारिफ हुई तब से लेकर आज तक ये लग्जरी गाड़ियों का हजूम था और हमेशा से ये लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनी रही। आज इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर और इसकी लाइट्स और इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टोयोटा लैंड क्रूजर V8 मॉडल की लिमोजिन है, ठीक है। और इसमें जो नॉर्मली, क्योंकि ये एक वेल नोन ब्रांड है लैंड क्रूजर का, पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, और इसकी जो लाइट्स हैं वो एज इट इज़ नॉर्मल लैंड क्रूजर की तरह ही हैं, ठीक है। और 2020 मॉडल जो है, ठीक है, उसमें ये लाइट्स जो हैं वो नीचे ये लाइट्स LED लाइट्स इंस्टॉल हुई हुई हैं। उसके अलावा ये फोग लाइट्स इंस्टॉल हुई हुई हैं इस गाड़ी के अंदर। ये जो इसकी जाली है, ये कौन सी जाली है? ये क्रोम की है? ये इसकी क्रोम प्लेटेड इसकी जो ग्रिल है, ठीक है, इसमें साथ में प्लास्टिक पेंटेड ग्रे कलर में है और ये टोयोटा का मोनोग्राम है इसमें। उसके अलावा जो है ये जो लेटेस्ट मॉडल है लैंड क्रूजर का 2020, ठीक है, ये वो शेप है और इसमें प्रोजेक्शन लाइट्स आती हैं, साथ में इसमें DRL आता है, ठीक है। और अगर हम इसमें फर्दर नीचे आते हैं तो नीचे फोग लाइट्स मौजूद हैं जो कि क्रोम कवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद नीचे बम्पर जो एक्सटेंशन है उसमें भी क्रोम का टच दिया गया, जिससे इसकी खूबसूरती काफ़ी बेहतर हो जाती है। जी, ये गाड़ी की खूबसूरती को काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। इसके अलॉय रिम्स जो हैं, इसके टायर का साइज़ क्या है, आप हमें इसके टायर के साइज़ के बारे में बताएँ, अलॉय रिम के बारे में बताएँ। इसमें जो टायर साइज़ है, जो अलॉय रिम का साइज़ है, ठीक है, वो 18 इंच अलॉय रिम इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। और जो टायर है वो 285 इसका जो है वो टायर साइज़ है। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 35 फीट लॉन्ग है, ठीक है। और इसमें इसके अलावा इसके जो 4 डोर्स हैं उसमें 2 डोर्स नॉर्मल हैं, तो डिज़ाइन किया गया जेट डोर्स की तरह, ठीक है। इसके जो पीछे पैसेंजर डोर्स हैं कैबिन के, वो जेट डोर्स हैं दोनों। इस वक्त हम V8 लिमोजिन के अंदर मौजूद हैं। कामरान साहब, आपकी गाड़ी अंदर से भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, हमें ये बताएं सबसे पहले तो ये जो लाइट्स और बार है इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, उसके बाद गाड़ी के मज़ीद इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मल्टी कलर्स LEDs लगी हुई हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इस गाड़ी के एम्बियंस को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपने बार की बात की, तो इसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो लेंथ के एक बार मौजूद है जिसके अंदर ड्रिंक्स, कूल बॉक्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि दौरान सफ़र जो है वो आपको तमाम सहूलियाँ जो है ड्रिंक्स। गाड़ी चल रही है और गाड़ी का कंफर्ट लेवल बता रहा है कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, मगर आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल दूसरी गाड़ियों से बेहतर है या उन गाड़ियों का कंफर्ट लेवल ज़्यादा बेहतर है? सर, इसमें जितनी भी SUVs गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं उसमें कंफर्ट लेवल जो है वो कार की नस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। उसकी सस्पेंशन बेहतर होती है और इसमें सबसे आपको मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर से ही मैन्युफैक्चर्ड होके लिमोजिन में कन्वर्ट होके पाकिस्तान आई हुई हैं, तो इनकी जो सस्पेंशन या रोड ग्रिप और इस तरह के सारे मामला होते हैं उसमें आप ख़ुद भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि जो दौरान ट्रैवलिंग हमें किसी किस्म का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, कोई अनकम्फर्ट जो है ना वो फील नहीं हो रहा, बल्कि बहुत कम्फर्टेबली हम सफ़र कर। इसकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है, कितने बंदे इसके अंदर एक टाइम में बैठ सकते हैं? इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है इट्स अबाउट 10-12% जो कि ईजीली इसमें जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। नॉर्मल SUVs हैं उसमें नॉर्मली सबके पीछे जो है वो बेड मौजूद होता है, ठीक है, जो कि अनकवर्ड होता है। लैंड क्रूजर लिमो इज़ वन ऑफ द लिमोज जिसका बैक साइड पे भी जो है वो सारा कवर्ड है, जिसकी वजह से इसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि पीछे उसकी ट्रंक साइज़ में भी
साइड पे भी इसमें जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं जिस पे आप सिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल वेंट्स, एसी वेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका कूलिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी महसूस कर रहे होंगे कि इसमें काफ़ी बेहतर आपको कूलिंग का उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। लेटेस्ट साउंड सिस्टम जो है वो मौजूद है पूरे कैबिन में, इस लिमोजीन में, जिसमें मल्टीपल स्पीकर्स एंड सबवूफर्स एंड वूफर्स मौजूद हैं जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को बहुत बेहतर करते हैं। और जहां तक आपने बात की इसमें वीडियो की, तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो भी वीडियोस इसमें चलाना चाहें, सीडीज़ के ज़रिए, यूएसबी के ज़रिए, इवन दैट ऑनलाइन भी अगर हम इसको चलाना चाहें तो इसमें इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ रेंट पर जाने की वजह से ये जो लाइट्स हैं, अगर बंदे कोई डिमांड करें कि हमें ये लाइट्स जो है इनके कलर जो हैं वो हमें अपनी मर्ज़ी से चाहिए, तो ये आप दोबारा चेंज करवा के देते हैं या जैसे ज़मीन की लाइट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं इस तरह से सारी गाड़ी की लाइट्स भी चेंज होती हैं? इसमें अगर कलर चेंज की आप बात करें तो ये ऑटोमेटिक इसका रिमोट होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इनकी लाइट्स को लिंक भी करवा सकते हैं, स्टिल भी कर सकते हैं और इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने फेवरेट कलर्स को जो है वो इसमें ऑन कर सकता है। V8 लीमो जो है उसके अंदर पेट्रोल के अलावा डीजल गाड़ियाँ भी हैं या सिर्फ पेट्रोल गाड़ियाँ? नहीं, लिमोजिन्स के अंदर इसमें मैं बताऊं कि तमाम जो लिमोजिन्स पाकिस्तान में जो हमारे पास मौजूद हैं या किसी और के पास भी मौजूद हैं, तो नॉर्मली इसमें पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है लिमो की, तो उसके लिए पेट्रोल इंजन जो है वो बेहतर रहता है। फ्यूल एवरेज क्या देती है ये गाड़ी? फ्यूल एवरेज क्योंकि लेंथ इसकी और वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से इसकी एवरेज जो है वो 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर जो है वो आती है। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी को बुक करवाने का क्या प्रोसीजर है? इसका बुक करवाने का प्रोसीजर ये है कि हमारा फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी अवेलेबल है, लिमो कॉस से हम फेसबुक पे मौजूद हैं और रॉयल लिमो सर्विस के नाम से हम इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स मौजूद हैं जिसपे हम से रब्ता। एक दिन का कितना रेंट लेते हैं आप? हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान में, आपको मैं बताता चलूँ कि वी हैव द बिगेस्ट फ्लीट इन पाकिस्तान, लिमोजिन्स हमारे पास जो है वो 13 लिमोजिन्स मौजूद हैं और इनके डिफरेंट रेंट्स हैं। हमारी जो मिनिमम रेंट स्टार्ट हो जाता है, इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो 70,000 से स्टार्ट होती है और 175,000 तक जो है वो इसकी प्राइस रेंज है, डिफरेंट मॉडल्स के साथ डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, ये जिस लिमो के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं इसका रेंट अब क्या लेते हैं? इसका रेंट जी 1,20,000 इसको इसका रेंट हम पर फंक्शन चार्ज करते हैं, ठीक है, और ये निगोशिएबल होता है उसमें निगोशिएबल। अगर आप कि ये गाड़ी आउट ऑफ सिटी जानी हो तो आप यही लेते हैं या पेट्रोल का ख़र्चा मजीद इसके अंदर ऐड करते हैं? इसमें जो है अगर नियरेस्ट लाइक पॉइंट है लाइक लाहौर से विद इन 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर मौजूद है तो फिर नॉर्मली रेंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसी में अकोमोडेट कम करते हैं क्लाइंट्स को ताकि वो बेहतर जो हमारी सर्विसेज हैं उनसे लुत्फानंदोज़ हो सकें। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह कोई केपी की में भी, क्योंकि हम ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, वी ऑपरेट इन लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, वज़ीराबाद, वी ट्राई के हम जो हमारे पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके हैं उनको हम कवर कर सकें और हमारी जो ये शानदार सर्विसेज़ हैं उनको पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो उनकी उसकी सहूलत प्रोवाइड कर सकें। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस हमारे टूर्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, फ्यूल कॉस्ट हो जाती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें एक लीनियंट अमाउंट जो है वो थोड़ी सी ऐड हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। ये रॉयल लिमो सर्विस जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई थी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बाहर के ममालिक में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत लॉन्ग टाइम से इस चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये सर्विस जो है वो मौजूद नहीं थी, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो लिमोज इम्पोर्ट करवाई ताकि हम अपने मुल्क में मौजूद लोगों को जो है वो ये सहूलत प्रोवाइड कर सकें। और लोग जो शादियों के जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें इन गाड़ियों को इस्तेमाल करके अपने इवेंट्स को मेमोरेबल बनाएं, ठीक है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग रियली वेल एंड वी हैव द बिगेस्ट फ्लीट इन पाकिस्तान राइट नाउ। कामरान साहब, जब गाड़ी आपकी रेंट पर जाती है तो आप 120 मुझे बता रहे हैं इसका रेट,
तो आप गाड़ी के साथ साथ मजीद सर्विसेज क्या देते हैं लोगों को? इसमें जो सर्विसेज मौजूद हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाड़ी का रेंट होता है उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है, उसमें कोई फ्यूल के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। उसके अलावा इसमें जो है वो हम रेड कारपेट एंट्रेंस होती है, रेड कारपेट भी जाते हैं, ग्रूम एंड ब्राइड जब बैठते हैं तो रेड कारपेट से एंटर होते हैं वो गाड़ी में। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में बार मौजूद है, ठीक है, तो इसमें हम ड्रिंक्स जूसेस वगैरह जो है वो सर्व करते हैं।